वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू के इस यूट्यूब चैनल के चाहने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि ग्रैंड व्यू की टीम जिस मेहनत के साथ आपके सामने इन वीडियोस को लेकर आ रही है, आप उसे पसंद कर रहे होंगे, आप उससे लाभ उठा रहे होंगे, और ये मुझे दिखता भी है। करते करते अब सब्सक्राइबर्स की संख्या 525 तक पहुंच गई है। लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस हमने इस चैनल पर पोस्ट कर दिया है, और उस चैनल्स को लाइक करने वालों की संख्या हर पल हर क्षण बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम अच्छी बातों को सीखते रहें, दूसरों के साथ उसको शेयर करते रहें, यही हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जब ग्रैंड व्यू ने लगभग 100 वीडियोस आपके सामने रख दिया है अपने चैनल पर, उसमें करीब कुछ 6-7 वीडियोस शायद मेरे भी आ गए हैं, और मुझे अभी मालूम चला कि शायद जो टॉप 5 वीडियोस की जो लिस्ट बनाई है उन लोगों ने, उस टॉप 5 में 2 वीडियोस मेरे हैं। इसका मतलब कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और उन्हें देखने वाले सिर्फ हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, उनके माता पिता यानी समाज का शायद हर वर्ग उन वीडियोस को देख रहा है, कहीं ना कहीं अपने जीवन से उन वीडियोस को जोड़ रहा है। तो मेरे मन में आया, क्यों ना आज का वीडियो मैं सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाऊं, एक ऐसी बात आपको बतलाऊं जो शायद आपसे छूट गई हो और जो शायद आज के इस दौर में हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो वाकया 20 अप्रैल का है। 20 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमें स्वर सिखलाया, वोवेल। आपको मालूम है अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। उन 5 वोवेल की हेल्प से उन्होंने बताया कि अब ये जो दौर है, ये जो पैंडेमिक हमारे सामने है कोरोना वायरस का, इस दौर ने दुनिया को बदला है। बहुत सी चीजें अब अपने पहले वाले रूप में शायद नहीं आ पाएंगी, तो बहुत जरूरी है कि हम इस दौर से कुछ सीखें, अपने आप को इस दौर के बाद वाले समय के लिए तैयार करें, ताकि हमें, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार के लोगों को इस लॉकडाउन के बाद, चीजों के थोड़े सामान्य होने के बाद, कोई भी दिक्कत परेशानी न पेश आए। तो मैं एक के बाद एक आज उन 5 वोवेल्स को, ए ई आई ओ यू को, आपके सामने रखूंगा। आप इसको समझें, थोड़ी गंभीरता से इसको आप लें, और आप अपने परिवार के सभी लोगों में, अपने नजदीकी दोस्तों में इस बात की चर्चा करें कि क्या हम इस तरह के बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अब ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं, शुरू करता हूं। जो पहला वोवेल है ए, ए से उन्होंने नारा दिया है एडेप्टिबिलिटी का। एडेप्टिबिलिटी की हिंदी जब मैं देखता हूं तो है अनुकूलनशीलता, और वो बोलते हैं एडेप्टेबल बिजनेस मॉडल्स, एडेप्टेबल बिजनेस मॉडल्स। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि एम्ब्रेसिंग डिजिटल पेमेंट्स, टेली मेडिसिन, ये सब इंडिकेटिव है। हमें इन छोटे छोटे शब्दों से, वाक्यों से समझ कर लेना है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनके पास एक्सपर्ट की एक टीम बैठी हुई है जो बहुत सोच विचार कर बड़े बड़े मैसेजेस को छोटे शब्दों में, छोटे तरीके से, सामान्य तरीके से हमारे सामने रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें अपने ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार करने पड़ेंगे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हों, जिसे लोग घर पर बैठे बैठे ग्रहण कर सकें, ले सकें। हमें इस दौर के हिसाब से अपने को अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। अगर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो हमें उनके जरूरत की चीजें उनके घर तक मुहैया करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपने को अडेप्टेबल बनाएं, जैसी परिस्थिति वैसा अपने को आप ढाल लें। बोलते हैं व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा राजा वैसा प्रजा।
तो जब ये दौर बोलता है कि हमें थोड़ा सा अलगाव मेंटेन करना है, अलग रहना है, बाहर कम निकलना है, तो हम देखें कि अपने बिजनेस मॉडल को हम कैसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आज आपके सामने आकर ये वीडियोस बना रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अपने को बदलने की शुरुआत कर ली है। मुझे मालूम है कि शायद अब लंबे समय तक ऐसे ही वीडियोस के जल्द के द्वारा मैं आपसे बात कर पाऊँगा। तो जितने बड़े लोग हैं, आप चेक करें कि क्या आपका बिजनेस इस मॉडल में जा सकता है किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से। और जितने बच्चे हैं वो इस बात को अपने दिल में बैठा लें कि हमें हर युग में परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चीज़ें अगर टफ हो रही हैं तो हमें उसके हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। घर में हैं, आर्थिक संकट भी हर जगह थोड़ा बहुत आ ही रहा है, तो खाना सादा हो रहा है, खाना कम हो रहा है बिकॉज एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। जितने भी लग्जरियस थिंग्स थे उससे हम अपने को दूर कर रहे हैं। चीज़ें सामान्य होंगी, हम फिर वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी चीज़ें सामान्य नहीं हैं, तो हमें इस दौर के हिसाब से अपने आप को अडेप्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जो सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कुशलता। वो बोलते हैं कि अब का समय टाल मटोल करने का नहीं है, चीजें थोड़ी सी विकट हैं, मुश्किल हैं, तो आपने जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जिस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम लाइन में चीजों को खत्म करने का आपने किसी को वादा किया है, उसको आप उस टाइम फ्रेम में खत्म करें। यानी कि समय की पाबंदी, समय के महत्व को आप समझें। जिसने समय को नहीं समझा, समय ने उसे बर्बाद किया है, ये बात आप सबको मालूम है। तो हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएं। अगर मुझे ग्रैंडव्यू की टीम बोलती है कि सर आपका वीडियो मुझे टाइम पर आना चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं समय निकाल कर अपने आप को उस हिसाब से ढाल कर वीडियो तैयार करके उनको भेजता हूं। ये समय की मांग है और आप इस समय की मांग को झुठला नहीं सकते हैं। सो आप देखें कि हर दौर में क्या मैं अपने को एफिशिएंट बना पा रहा हूं, क्या मैं कुशल बन पा रहा हूं, जैसी डिमांड मार्केट से आ रही है क्या मैं उसके हिसाब से अपनी सेवाएं दे पा रहा हूं। सो एडेप्टेबिलिटी के बाद जो अगला पॉइंट उन्होंने कहा, ई से एफिशिएंसी। अब आते हैं ए के बाद आई पे। आई से उन्होंने कहा इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी को हिंदी में बोला है समावेशिता। यानी वो बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा विकसित करें जो कमजोर लोगों के साथ साथ, यानी कि जो लोग आपके उस बिजनेस से लाभ उठा पाए, भले ही वो समाज के किसी भी वर्ग के हों, और साथ ही साथ ये भी हो कि वो हमारे साथ साथ, यानी कि मानव जाति के साथ साथ इस ग्रह की भी देखभाल करे, यानी कि उससे किसी भी तरीके से इस ग्रह का नुकसान नहीं हो। अलग अलग शब्दों में लोग बोल रहे हैं कि ये विपदा इसलिए आई है बिकॉज हमने अपने प्रकृति की, अपने नेचर की, प्लैनेट की कदर नहीं की है और प्रकृति बदला ले रही है। ऐसी बातें बहुत जगह मुझे पढ़ने को मिली हैं। तो क्यों ना हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा हो जो राजा से लेकर रंक सबके लिए उपयोगी हो। मैं तो सलाम करता हूं वापस ग्रैंडव्यू स्कूल के जज्बे का कि उन्होंने अपने सारे वीडियोस, 100 से ज्यादा वीडियोस सभी के लिए यूट्यूब पर डाल दिए हैं, कोई चार्जेस नहीं। आप देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए, दैट्स इट। अगर मेरे किसी कुशलता से, मेरे ज्ञान से किसी का फायदा हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, जो समाज के बाकी बच्चे हैं वो भी पढ़ें। हम क्यों ये भेदभाव करें, जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहीं से थोड़ा सा सिर्फ डेटा का इंतजाम करे और वो यूट्यूब पे आकर के इन वीडियोस को देख ले। इतना तो कम से कम हम सुविधा दे ही सकते हैं। सो इंक्लूसिविटी का मतलब हो गया कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके और मानव जाति के साथ साथ इस ग्रह की भी सुरक्षा, उसका भी केयर, उसकी देखभाल भी उसमें निहित हो, उससे ग्रह का नुकसान ना होता हो। AEI के बाद अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटी। हिंदी में है अवसर। इस कोरोना ने बिजनेस के बहुत सारे आयाम को बदला है। बहुत सारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उन पे खतरा आ गया है। बहुत सारे नई व्यवसाय के अवसर जो है वो पनप गए हैं, पैदा हो गए हैं।
तो हम क्यों ना इस दौर से सीखें और देखें कि जो मेरा करंट बिजनेस है वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या उसे मैं किसी और क्षेत्र में डाइवर्स कर सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ, या अपने ही बिजनेस को किसी और तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ। यानी वापस ये जो अवसर हमें इस दौर ने दिया है, इस महामारी ने दिया है, हम ना घबराकर ना रोकर अपने बिजनेस को चेंज करने का, डाइवर्स करने का, इस दौर में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपने पैर को पसारने का, उसमें मौका तलाशने का काम करें। यानी हर अवसर से लाभ उठाएं। घर में बैठ करके परेशान होने से अच्छा है कि हम ये देखें कि इस दौर से जो बदलाव आएगा, उस बदलाव के बाद जो अवसर बचेंगे, क्या मैं उस अवसर में शामिल होकर अपने आप को सर्वाइव करवा पाऊंगा। अपॉर्चुनिटी, इससे हम सीखें, अपने को बदलें, इस अवसर का लाभ उठाएं। और अंतिम जो उन्होंने बोला, यूनिवर्सलिज्म, हिंदी में सार्वभौमवाद, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका स्किल और टैलेंट है, आप ये देखें कि क्या उससे सिर्फ इंडिया नहीं, मैं तो बात कर रहा था अपने आसपास के लोगों का, अपने शहर का, राज्य का, वो बोलते हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा अपने सोचने का तरीका बदलिए, अपना परिवार नहीं, दोस्त नहीं, शहर नहीं, समाज नहीं, राज्य नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व का सोचिए कि क्या आपका ये काम पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सबको फायदा पहुंचा सकता है क्या। क्या आप एक ग्लोबल नर्व सेंटर, उन्होंने बात किया ग्लोबल नर्व सेंटर, मतलब आप कैसे, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे पूरे बॉडी को चलाता है, क्या वैसे ही आपका कुछ काम पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाने में, एक रोशनी दिखाने का काम कर सकता है। यानी आप दूसरों से लाभ लेने के बजाय ये भी सोचें कि मेरे से क्या लाभ इस विश्व को मिल सकता है, देश ने मेरे के लिए क्या किया, पीएम ने क्या किया, सीएम ने क्या किया, डीएम ने क्या किया, इससे निकलकर मैंने क्या किया, हम इस बात पर भी सोचना प्रारंभ कर दें। बड़ी पते की बात है, बहुत ही गूढ़ लगता है, अगर ध्यान से हम समझें, अपने बच्चों के अंदर भी ये बातें डालने का प्रयास करें, तो शायद इस लॉकडाउन के बाद जब हम वापस अपने काम पर लौटें तो हमें कोई संकट का सामना नहीं करना पड़े। हमने अपने को बदल लिया है, हमने इस जीवन के नए तरीकों में अपने आप को ढाल लिया है। एक बार वापस मैं उस 5 वोवेल को आपके सामने रखता हूं। पहला ए, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता, यानी हम इस दौर के हिसाब से अपने को एडेप्टेबल बना रहे हैं, इसको हम अपने अंदर समावेश कर रहे हैं, और हम अपने बिजनेस को ऐसा बना रहे हैं जो कि आज के दौर के हिसाब से मैच करता हो, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, जो ऑनलाइन हो, जो लोगों को घर बैठे सामान मुहैया करा सके, सुविधाएं दे सके। नंबर 2, एफिशिएंसी, कुशलता, यानी कि जो हम प्रॉमिस करते हैं, जो हम वादा करते हैं उसको हम निभा पाते हैं। हमें समय की कद्र है, हमें टाइमलाइन की चिंता है कि जो हमने कहा, जो हमने समय कमिट किया उसमें काम को पूरा किया। नंबर 3, इंक्लूसिविटी, समावेशिता, जो हमारा मॉडल है, जो हमारा काम है वो समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, और साथ ही साथ उससे इस ग्रह को क्षति ना पहुंचती हो, इस ग्रह को कोई भी नुकसान ना होता हो। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी, अवसर, इस महामारी ने, इस लॉकडाउन ने जो नए अवसर इजाद किए हैं, जो नए अवसर पैदा हुए हैं, क्या हम अपने बिजनेस को, अपने काम को उससे मैच करा सकते हैं, क्या हम इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, क्या हम अपने को डाइवर्स कर सकते हैं, क्या हम अपने काम करने के रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, क्या हम अवसर का लाभ उठाने के लिए सक्षम हैं। और 5वां, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमवाद, यानी कि जो भी हम काम करें उससे सिर्फ मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे शहर का, राज्य का भला ना हो, पूरी दुनिया का भला हो। ऐसा हम क्या करें कि पूरी दुनिया किसी सहयोग के लिए, किसी सपोर्ट के लिए, किसी मसले के हल के लिए मेरी तरफ देखे। क्या हम लोगों के मन में जो पीड़ा है, जो उनके मन में दर्द है, जो मन में सवाल हैं, उसका जवाब हम उनको दे पाएं।
अपने बिजनेस से, अपने काम से, अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से। तो ये पांच वोवेल मिस्टर मोदी जी ने दिया है, ये बड़ा ही इंडिकेटिव है। बहुत डिटेल उन्होंने नहीं कहा है, एक दो वाक्यों में उन्होंने इसको खत्म करने का प्रयास किया है, लेकिन इसको समझकर इसको ये लंबे उपयोग को जानने की आवश्यकता है। AEIOU, एडेप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी एंड यूनिवर्सलिज्म। इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद वापस नेट पर जाकर इन पांच वोवेल्स को देखने का प्रयास करें। मैं इसकी एक इमेज अपने वीडियो में लगाने के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा, ताकि आप इस पांच AEIOU को आप देख पाएं, समझ पाएं, डिस्कस कर पाएं। बहुत जरूरी है आज की इस डेट में जो कुछ भी हमको समझ में आता है, चीजें कैसे बदल रही हैं, क्या हो रहा है, हम उसको अपने नियर्स एंड डियर्स में डिस्कस करें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है, आप इसे बार बार देख रहे हैं, तो आप यहां पर रुके ना, आप लोगों को बताएं कि ऐसा एक चैनल है जहां पर पढ़ाई लिखाई और नॉर्मल लाइफ स्किल, कैसे जीवन जीना है, कैसे इस संकट का सामना करना है, उसके ऊपर भी बातें बताई जा रही हैं। तो आप बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करने का, बेल बटन प्रेस करने का और अपने बाकी लोगों में इसको शेयर करने का आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। आप उनसे कहिए, हम सब मिलकर इस सरल सुविधा से मिलने वाले चैनल का, इसके वीडियोस का फायदा उठाएं और अपने तक सीमित ना रखें, लालची ना बने, इसको बांटें। जितना हम ज्ञान, जितना हम इंफॉर्मेशन बांटेंगे, उतना हमें फायदा होगा। हम सुखी तभी रहेंगे जब समाज सुखी रहेगा। मेरे घर में दिया जल रहा है, बाकी जगह अंधेरा है, काम नहीं चलने वाला है। दिया हर जगह चलना चाहिए ताकि सिविल अनरेस्ट ना हो, ताकि कोई खलबली इस देश में, इस विश्व में ना मचे। तो हम कोई भी खबर हमारे तक आई, कोई भी नॉलेज हमारे तक आया, हम उसको सीमित नहीं रखेंगे, हम सबसे बांटेंगे, हम खुद भी सीखेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप याद कीजिए मेरा पिछला वीडियो, थिंक विन विन सिनर्जाइज, ये सारी हैबिट्स अब हमारे अंदर आना बहुत ही आवश्यक है। चलिए फिर, आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और इस वीडियोस को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए। खुद भी सीखिए, बाकियों को सिखलाइए, डटे रहिए, इस अवसर का फायदा उठाइए। आप सब लोगों के इस महान कार्य के लिए, इस जज्बे के लिए मेरी ओर से आपको सलाम है, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।